हे गाइस, हाउ यू? होप कि आप अच्छे होंगे। और जो लोग इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं और जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। क्यों? क्योंकि जो लोग देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा, कैसे एआई और मशीन लर्निंग जो कंप्यूटर साइंस की दुनिया है उस पर हावी हो गया है। हो गाइज, आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए, और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए, मेरे से बात करनी है, करियर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, तो careerededucation.com पे जाकर के मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गाइज, बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, बात करते हैं कि भाई, अगर आप देखो कंप्यूटर साइंस में एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, तो अभी करंट टाइम में बहुत सारे चेंजेस आपको पता हो रहे हैं, लेकिन दो ऐसे ट्रेड हैं जिनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और वो दोनों ट्रेड कोई नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग है। एआई और एमएल का यूज करके, एआई और एमएल का कॉम्बिनेशन बना करके जो टेक इंडस्ट्री है, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, वो काफ़ी दूर जाना चाहती है। तो ऐसे में जो लोग एआई और एमएल से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस एआई एमएल ले रहे हैं, उनका जो करियर है वो काफ़ी अच्छा जाने वाला है। अब देखो, सिर्फ मैंने वीडियो बना दिया और आप लोगों ने सिर्फ एआई और एमएल ले लिया, ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। एआई एमएल को डेप्थ में आपको सीखना पड़ेगा, बेसिक टू एडवांस एआई एमएल। भाई देखो, पहले आप सिंपल सी वेबसाइट बनाते थे, अब एआई एमएल के थ्रू आप एक एल्गोरिथम बना रहे हो, एक एल्गो बना रहे हो, जिस तरह से गूगल का एल्गोरिथम है और सारी एल्गोरिथम है, प्रोग्रामिंग हो रहा, ऑटो प्रोग्रामिंग हो रहा, ऑटोमेशन टाइप में चीज़ें हो रही, कि आप ये चीज़ इनपुट डाल रहे हो, आउटपुट कुछ मिक्स होकर के कुछ और निकल रहा है, इस टाइप की चीजें हैं, ठीक है। चैट जीपीटी देखो ना, कितना खतरनाक उसका एल्गोरिथम है, 8 साल लग गए चैट जीपीटी बनाते बनाते। माइक्रोसॉफ्ट सोच के बैठा था कि इसने मेरा बिंग जैसे सर्च इंजन को फेल किया, मैं इसको रेलूंगा गूगल को। तो उसमें एक कहानी ये आई कि गूगल को कुछ टाइम बाद, देखो बड़ी चीज हमेशा वक्त लेती है, बड़ी चीज हमेशा टाइम लेती है, और कुछ वक्त के बाद जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपना चैट जीपीटी लॉन्च किया, तो ऐसे में देख लो ना, मार्केट में तहलका मच गया, इतना तहलका मच गया कि चीज़ें हाथ से निकलने लगी, करोड़ों लोग जॉबलेस हो गए, करोड़ों लोगों की जॉब चली गई, चीज़ें एक अलग डायरेक्शन में चली गई, कि भाई जिस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी उस डायरेक्शन में ना जाकर के किसी और डायरेक्शन में चली गई। तो ऐसे में चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, और इसमें जो लोग बीटेक कर रहे हैं और जो लोग पॉलिटेक्निक कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से खास करके, वो लोग भी सीखे। ऐसा नहीं कि आपकी ब्रांच में अगर एआई और एमएल लग गया तो ही आप कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अदर ट्रेड वाले भी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी, अगर आप चाहें एआई एमएल में जाना तो जा सकते हो, आईटी वाले भी जा सकते हो, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से भी जा सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई परहेज है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से नहीं जा सकते। एआई एमएल में एक अच्छी बात और है, सोचो क्या है, जब जॉब प्रोबेबिलिटी और जॉब अपॉर्चुनिटी दोनों बढ़िया हैं, ठीक है, क्योंकि टेक्निकली अब उसी चीज़ पे लोग जा रहे हैं, तो भाई वो डेवलपर की डिमांड बढ़ेगी। पैकेज काफ़ी अच्छी खासी है, पैकेज यहाँ पे करोड़ों में है, जाती है एआई और एमएल की दुनिया में, ठीक है। अच्छे एआई और एमएल डेवलपर की सैलरी बहुत खतरनाक है। उसके अलावा एक चीज़ और मैं बता दूँ, एआई और एमएल तो हो गया, उसके अलावा अगर हम और भी चीज़ों पर बात करें, तो यहाँ पे जो पैकेज है फ्रेशर लेवल पे, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो मैंने एक्सपीरियंस लेवल पे 1 करोड़ बताया, जब फ्रेशर लेवल पे आप एंट्री करोगे तो वो भी पैकेज बढ़िया है। हाँ, एक चीज़ है, मार्केट में स्किल का कंपटीशन है, जितने अच्छा आप स्किल्ड होगे उतना बेटर आप लेके जाओगे। पता, आज की दुनिया ऐसी है कि अगर आप कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म भी बना दो ना, 100-200 करोड़ रुपए आप वहाँ से अर्न कर सकते हो, लेकिन जितनी आसानी से मैंने बोल दिया कि प्लेटफॉर्म बना लो, उतना आसानी है नहीं, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस की दुनिया में AI और ML जैसी चीज़ों पर फोकस करिए, आपका करियर नेक्स्ट लेवल जाएगा। ट्रस्ट मी गाइज, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेंडिंग करियर ऑप्शन है, पैसा खूब है और लोग पैसा अर्न कर रहे हैं। वीडियो में इतना ही होगा, इस वीडियो को पसंद आएगा, जो लोग टेलीग्राम पे वहाँ पे भी जाके ज्वाइन करें, और जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जा करके ज़रूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।